सर, ये हादसा हुआ है लगभग 2:30 से 3 के बीच में। एक ट्रक जा रही थी इधर से, और हम लोग वहाँ से मणिकर्णिका घाट से अपनी दादी जी को जला करके आ रहे थे। जब वहाँ से जला करके आ रहे थे तो मतलब खाना खा करके थोड़ी कुछ देर पहुँचे थे, एक टक्कर मारी और एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी जो है पलट गया। हम लोग पिकअप में 17 लोग थे, जिसमें से 6 लोगों का डेथ हो गया है। सब मेरे ही फादर उधर थे, और उसके बाद जो है बाकी लोगों को इलाज चल रहा है। यहाँ पर सदर अस्पताल में एडमिट हैं, कुछ BHU में एडमिट हैं, और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था। कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? हम जलालपुर के सर, जलालपुर पोस्ट बसारापुर थाना सराय खाजा। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार यादव, सना राम प्रसाद यादव। जनपद जौनपुर में बनारस से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। गांव जलालपुर गांव के लोग थे, पिकअप गाड़ी से लौट रहे थे, और रात में लगभग 3 बजे के आसपास ट्रक से भिड़ंत हो गई। मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई और एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई है। बाकी लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाकी सभी तो ठीक हैं। एक व्यक्ति थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको हम लोगों ने बनारस रेफ़र कर दिया है। परिवारजनों से मुलाकात हो गई है, बहुत ही दुखद ये क्षण है, 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाना। इसमें जो भी उचित कार्रवाई है, मदद है, वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो ट्रक है और गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उस सबको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर अभी नहीं मिल पाया है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। कैसे हुई घटना, इसका पूरा हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। ये बनारस गए थे लोग अंतिम संस्कार करने, एक इनके परिवार की बुजुर्ग थी, 110 साल की महिला थी बताया गया, उनका अंतिम संस्कार करने मणिकर्णिका घाट गए थे, और वहाँ से वो लोग रात में लौट रहे थे। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? बताया गया है कि 16 से 17 लोग थे गाड़ी में, और 18 भी लोग थे, और उसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई है, एक क्रिटिकल है, बाकी लोग ठीक हैं। जो भी उचित कार्रवाई है सब हम लोग, इसीलिए मैं भी मौके पर आया हूँ, मैं परिवार के लोगों से भी मिला हूँ, हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगा, और उच्च अधिकारियों को भी हमने अवगत करा दिया है, तो जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। ठीक है।